तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कांदेले, कांदेले होम डिज़ाइंस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, हमने चार भाइयों के हिसाब से जॉइंट फैमिली के लिए हमने एक हाउस प्लान डिज़ाइन किया था, जो कि इस वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो जगह हमें मिलती है वो प्लॉट साइज़ बड़ा था, लेकिन हमने जो बिल्डअप एरिया यूज़ किया था कंस्ट्रक्शन के लिए, जो एरिया हमने यूज़ किया था वो किया था दोस्तों 4700 स्क्वायर फीट का। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट ईस्ट फेसिंग था, पूर्वमुखी था, और यहाँ पर हमें चारों दिशाओं से वेंटिलेशन मिल जाता है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब चलते हैं दोस्तों मेन रोड की तरफ से अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर रोड मेंशन किया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर फ्रंट साइड में हमें पार्किंग की जगह मिल जाती है। अब जॉइंट फैमिली के हिसाब से यहाँ पर हमने कम्प्लीट प्लानिंग की थी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर हम दो भाइयों के हिसाब से जो हमने एक प्लान बनाया था वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको दो भाइयों के हिसाब से प्लान बनवाना हो, डिज़ाइन बनवाना हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। या अगर आपको तीन भाइयों के हिसाब से, चार भाइयों के हिसाब से, या जॉइंट फैमिली के हिसाब से अगर आपको डिज़ाइन करवाना हो, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो चार भाइयों का प्लान हमने डिज़ाइन किया था, इसमें से हम आपको दो भाइयों का ही यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही मेन रोड की तरफ से अंदर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों हमने बरामदा प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर दोस्तों 90 स्क्वायर फीट का हमने प्रोवाइड किया था। अब बरामदे की तरफ से दोस्तों हमने तीन एंट्रीज प्रोवाइड की थी, जो गेस्ट आएंगे दोस्तों, जो मेहमान आएंगे उनके लिए यहाँ पर हमने गेस्ट रूम प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर 120 स्क्वायर फीट का हमने प्रोवाइड किया था। दोनों तरफ से दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने दो गेस्ट रूम प्रोवाइड किए थे, जो कि यहाँ पर दोस्तों ये दो फैमिलीज के हिसाब से, दो भाइयों के हिसाब से हमने प्लानिंग की थी। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर डबल रूम दिखाई देंगे। सेंटर पर यहाँ पर दोस्तों हमने मेन डोर प्रोवाइड किया है। अब मेन डोर की तरफ से अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने पैसेज प्रोवाइड किया था 7 फीट 1 इंच का। अब पैसेज की तरफ से अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिविंग रूम प्रोवाइड किया है दोस्तों, जो कि 260 स्क्वायर फीट का हमने प्रोवाइड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें सफिशिएंट स्पेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिविंग रूम की एक तरफ से हमने टॉयलेट बाथरूम कम्बाइंड प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर 50 स्क्वायर फीट का हमने प्रोवाइड किया था दोनों तरफ से। अब लिविंग रूम की तरफ से अंदर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमने 50 स्क्वायर फीट की किचन प्रोवाइड किए हैं। और दोस्तों, किचन की तरफ से हम जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटिलिटी एरिया हमने प्रोवाइड किया है, वॉश एरिया जो है दोस्तों उसके लिए हमने जगह प्रोवाइड की है 30 स्क्वायर फीट की। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर ये जगह जो है हम यूज़ कर लेते तो किचन का साइज़ यहाँ पर बढ़ जाता, लेकिन हमारे जो कस्टमर थे, क्लाइंट थे, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। अब अंदर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा हमने यहाँ पर और एक किचन प्रोवाइड किया है 50 स्क्वायर फीट का, और उसके वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने OTS प्रोवाइड किया है, मतलब जो वॉश एरिया रहेगा दोस्तों उसके ऊपर हम स्लैब नहीं लेंगे, स्लैब कट पोर्शन में रहेगा, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर हमें वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें वॉश एरिया यूज़ करने को भी मिल जाएगा, और वेंटिलेशन की भी कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। अब लिविंग रूम की तरफ से वापस आते हैं दोस्तों फ्रंट साइड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नॉर्मल बेडरूम्स प्रोवाइड किए थे, जो कि दोस्तों यहाँ पर 180 स्क्वायर फीट का हमने प्रोवाइड किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों तरफ से दो बेडरूम प्रोवाइड किए थे। अब चलते हैं दोस्तों लिविंग रूम की तरफ से बैक साइड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने और दो बेडरूम्स प्रोवाइड किए थे। ये मास्टर बेडरूम थे दोस्तों, जो कि 180 स्क्वायर फीट के हमने प्रोवाइड किए थे दोनों तरफ से, और ये मास्टर बेडरूम है दोस्तों, तो इसके अंदर हमने टॉयलेट बाथरूम कम्बाइंड प्रोवाइड किया था, अटैच्ड हमने प्रोवाइड किया था। ये जो बेडरूम आप देख रहे हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यहाँ से जो स्टेयरकेस का पोर्शन ऊपर जाता है, उसके नीचे हमने टॉयलेट बाथरूम कम्बाइंड प्रोवाइड किया था, और दूसरा जो बेडरूम है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने उसके साथ टॉयलेट बाथरूम कम्बाइंड प्रोवाइड किया था। अब पैसेज की तरफ से बैक साइड में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सीट आउट यहाँ पर बैठने की जगह यहाँ पर प्रोवाइड की थी, सीट आउट हमने प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर 180 स्क्वायर फीट का हमने प्रोवाइड किया था। और बैक साइड से यहाँ पर हमें पैसेज मिल जाता है दोस्तों, जो दूसरे हमने फ्लैट बनाए हैं वहाँ पर जाने की हमें जगह मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सेंटर से हमने सी शेप में और एक यहाँ पर स्टेयरकेस प्रोवाइड की थी, सीढ़ियाँ हमने प्रोवाइड की थी। और दूसरे फ्लैट की तरफ आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम हमने डिज़ाइन प्रोवाइड किया था दोस्तों, जो कि पहले फ्लैट के अंदर हमने प्रोवाइड किया था। तो दोस्तों हमें जगह मिलती है 4700 स्क्वायर फीट की। इसके अंदर दोस्तों हमने चार भाइयों के हिसाब से घर का नक्शा डिज़ाइन किया था, या आप कह सकते हैं दोस्तों हमने दो भाइयों के हिसाब से घर का नक्शा डिज़ाइन किया था। दोस्तों इन फ्यूचर अगर हमारे क्लाइंट को पार्टीशन करना हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पैसेज प्रोवाइड किया है 7 फीट 1 इंच का, मतलब कि अगर यहाँ पर आप 4 इंच की वॉल डाल देते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं, तो दोनों तरफ से कम 3-3 फीट की जगह मिल जाती है पैसेज के लिए। तो दोस्तों ये जो है प्लान हमने डिज़ाइन किया था, ये फ्यूचरिस्टिक हमने डिज़ाइन किया था। अगर आपको भी नक्शा या डिज़ाइन बनवाना हो, तो आपकी स्क्रीन पर दो नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं आपकी डिटेल्स। दोस्तों ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हम एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन हम जैसे ही वो प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च करते हैं दोस्तों, आप सभी जो हमारे ऑडियंस है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन हमने सरप्राइज़ प्लान किया है। तो चैनल पर ज़रूर बने रहिए, जल्द से जल्द हम आपको वो प्लेटफॉर्म दिखाएंगे, जल्द से जल्द वो प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों, तो चैनल पर ज़रूर बने रहिए। मैं अभिषेक कांदेले फिर मिलूंगा ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।